प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है पॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। सो नाउ इट्स टाइम फॉर 60 सेकंड्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। संजय दत्त की बायोपिक संजू में उनके कई राज खुलने वाले हैं। उनके कोर्ट केस, ड्रग्स की लत से लेकर अफेयर्स तक के किस्सों को फिल्म में दिखाया गया है। 90 के दशक में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर की बहुत चर्चा थी। अब खबरों की माने तो माधुरी ने फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को कहकर फिल्म से एक सीन हटवा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में एक सीन था जिसमें संजय अरेस्ट होने के बाद एक एक्ट्रेस को फोन करते हैं, लेकिन फोन एक्ट्रेस की मम्मी उठाती है। वो कहती है कि एक्ट्रेस अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि माधुरी ही थी। संजय दत्त जब 1993 में गिरफ्तार हुए थे तब पुलिस ऑफिसर ने उन्हें एक कॉल करने की इजाजत दी थी। संजय दत्त ने ये कॉल माधुरी दीक्षित को किया था, लेकिन उस समय माधुरी दीक्षित ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। फिल्म में ये सीन तब तक था जब तक माधुरी को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही माधुरी दीक्षित को इस सीन के बारे में पता चला, उन्होंने राजकुमार हिरानी और संजय दत्त को कॉल कर इस सीन को हटाने के लिए कहा था। हिरानी ने फिल्म के फाइनल कट में इस सीन को हटा दिया। खबरों की माने तो फिल्म में माधुरी के रोल में करिश्मा तन्ना नजर आएंगी। रणबीर के साथ फिल्म में सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा, परेश रावल और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म रिलीज हो रही है 29 जून को। नीचे कमेंट करें, देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।